हमने वीडियो अपलोड कर दी है, वीडियो के अंदर कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। वेलकम टू लाइलैक इंस्टीट्यूट, माय नेम इज मोहम्मद आगे मुनीर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट्स विद आउट कॉपीराइट इशू। हम देखेंगे कि हमने किस तरह शॉर्ट्स अपलोड करने हैं जिसके अंदर कॉपीराइट का इशू ना आए, और शॉर्ट्स के लिए किस साइज़ की ज़रूरत होती है, और हमने शॉर्ट किस तरह अपलोड करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि हमने शॉर्ट्स किस तरह अपलोड करनी है, और ऐसी शॉर्ट्स जिस पर कॉपीराइट का इशू ना आए। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो आपका स्टेप है, आपको ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब शॉर्ट्स की रेशियो क्या है। ये ना हो कि आपने कोई गलत रेशियो से यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर दी हैं, या जिस तरह कोई हॉरिजेंटल है, स्क्वेयर है शेप, आपने उस हिसाब से वीडियो अपलोड कर दी है तो वो शॉर्ट्स के लिए नहीं काउंट होगी। यहाँ पर आप देखें, अगर आप गूगल पर जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब शॉर्ट साइज़ लिख लेना है। साइज़ लिखने के बाद आपके सामने ये जो पिक्चर्स शो हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखें तो 9:16 जो वर्टिकल है उसकी रेशियो क्या होती है, 9:16। इस हिसाब से आप शॉर्ट्स जो है अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 4:5। आप इस रेशियो से भी जो है शॉर्ट्स वो इजीली अपलोड कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। आप जिस भी फ़ोन पर या लैपटॉप पर अगर एडिटिंग करेंगे, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर अंदर की रेशियो होती है, आपने शॉर्ट्स की रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। रेशियो सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि हमने वीडियो अपलोड किस तरह करनी है। वीडियो अपलोड करना इंतहाई आसान काम है, ये इजी वे है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको एक मूवी आइकन नज़र आ रहा है, आपको क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो आपको अपलोड वीडियोज़ नज़र आ रही हैं। आप जैसे ही अपलोड वीडियो को क्लिक करेंगे, ये हमें एक नेक्स्ट पेज की तरफ लेकर जाएगा जहाँ पर हमने अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने आया था सेलेक्ट फाइल्स। अब जैसे ही आप पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर लेकर जाएगी। अब जहाँ पर आपकी शॉर्ट वीडियो है, आपने क्या करना है, सिंपली आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास 4 शॉर्ट वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन ये जो मेरी वीडियो है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने डाउनलोडिंग का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ये देखें अपलोडिंग जो है हो रही है, अपलोडिंग जो है 100% होगी। इसके बाद चेकिंग होगी। चेक में क्या आएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, चेक्स का ऑप्शन आता है। इसमें आएगा कि क्या ये कॉपीराइट इशू तो नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक चीज़ है कि अगर आपने ये चैनल किड्स के लिए बनाया है तो आप यस कर दें, अगर नहीं बनाया तो आप नो कर देंगे। तो मैं चेक्स पर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अभी कॉपीराइट जो है कोई भी इशू नहीं आया। हमने वीडियो अपलोड कर दी है, वीडियो के अंदर कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आया। अगर कॉपीराइट इशू आया होता तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यूट्यूब का सिस्टम यहाँ पर शो करवा देता। तो ये है कॉपीराइट का इशू। अब इस वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आया। तो उसके बाद आप देख लेते हैं टाइटल। टाइटल आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ABC कोई भी टाइटल लिखेंगे, आपका टाइटल आ जाएगा। आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पर आएंगे। वीडियो एलिमेंट्स है, उसके बाद आएगा चेक्स पर। चेक्स में क्या होता है, कॉपीराइट इशू है, इसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं आया। उसके बाद हम देखेंगे विजिबिलिटी पर। विजिबिलिटी क्या करना है, आपने ऑलवेज पब्लिक ही रखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपकी पब्लिक देखेगी। अब इस वीडियो का मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमने लैपटॉप से अपलोड की है, ये जो वीडियो होती है ये शॉर्ट्स में तब ही काउंट होती है जब आप 5 से 6 वीडियो अपलोड करते हैं, और आपकी जो लगातार जो वीडियोज़ की रेशियो होती है आपकी शॉर्ट्स में होती है, तो यूट्यूब फिर ये समझ जाता है कि ये तमाम शॉर्ट्स है। तो ये जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर देता है। तो ये विजिबिलिटी आपने क्या करना है, पब्लिक रख देना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है, आपने टाइटल क्या देना है, आपने डिस्क्रिप्शन क्या देनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है शो मोर पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एड टैग नज़र आएंगे। आप यहाँ पर अपनी वीडियो के टैग भी दे सकते हैं। तो ये लॉन्ग वीडियो नहीं है, ये होगी शॉर्ट वीडियो, लेकिन जब आप 5 से 6 वीडियो डाउन जो अपलोड करेंगे उसमें यूट्यूब क्या करेगा, उस रेशो की जितनी भी वीडियोज है वो शॉर्ट्स में अपलोड करता जाएगा। तो वीडियो एलिमेंट्स में आपने देख लिया। उसके बाद जो मेन इशू है चेक, यहाँ पर देखें अभी कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आया, ना ही कोई कॉपीराइट का इशू है, ना ही कोई कॉपीराइट का क्लेम है। विजिबिलिटी में आपने पब्लिक रखना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। आपने यह क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिश करेंगे। पब्लिश को करने से पहले अगर आप वीडियो का लिंक चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर वीडियो का लिंक कॉपी कर लेंगे, आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आप पब्लिश कर देंगे। आप जैसे ही पब्लिश करेंगे आपकी जो है वीडियो वह अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर अभी आपके कंटेंट में वीडियो आ गई है, यहाँ पर देखें तो विजिबिलिटी में पब्लिक है, रिस्ट्रिक्शन अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले यूट्यूब ने। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने जो है अमेजोन से या अलीबाबा से हमने रील्स अपलोड की हैं, वहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं, हमें कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। यहाँ पर अब कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है। अब यहाँ से मैंने अमेजोन से ये प्रोडक्ट उठा के मैंने जो रील्स है वो यूट्यूब पर अपलोड की है। आप व्यूज़ देख सकते हैं अभी ज़ीरो है, कमेंट्स भी अभी ज़ीरो हैं। तो ये तरीका है जस्ट वीडियो शॉर्ट्स अपलोड करने का, इसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता। आपने जैसे सिंपल क्या करना है, आप जो भी वीडियो डाउनलोड करेंगे चाहे वो अमेजोन से करें चाहे किसी रील से भी करते हैं जिस पे कॉपीराइट इशू जो है वो ना आए। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो कॉपीराइट इशू नहीं देती, जिस तरह पैक्सल्स है, आप वहाँ से भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज करना है। बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज करने के बाद आप सिंपल जिस तरह मैंने आपको तरीका बता दिया है आपने वीडियो अपलोड कर देनी है। ये है शॉर्ट्स का तरीका, ये कोई लंबा तरीका नहीं है और ना ही इतना पेचीदा तरीका है कि आपको समझ ना आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो में आप काफ़ी चीज़ें देखेंगे और इस वीडियो से आप काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआएं लेते रहें और दुआएं देते रहें।